लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार, जिला खनिज अधिकारी व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया जमकर प्रदर्शन। लोक निर्माण विभाग के द्वारा राज्य सड़क परियोजना के तहत बनाई जा रही सड़क पर लोक निर्माण के अधिकारी, ठेकेदार सहित खनिज विभाग अधिकारी युवाओं की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता व अधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, जिसमें मेसर्स किरण बिल्ड कॉन के द्वारा बनाया जा रहा, जो की वर्ष 2018-19 के बजट में शामिल जिला दुर्ग के पुलगांव नाका से अंजोरा तक 4 लेन मार्ग के निर्माण का, जिसकी लागत करोड़ों की आई है। ऐसे ही वर्ष 2019-20 के बजट में शामिल जिला दुर्ग के नेहरू नगर चौक से राजेंद्र पार्क, गंजपारा मिनी माता चौक मार्ग चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण लंबाई चौड़ाई, जिसकी लागत लाखों रुपए में है। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क में विभिन्न गौण खनिजों का उपयोग गैर कानूनी रूप से अवैध तरीके से खोदकर किया गया है। इस सड़क के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी इस्टीमेट, जिसमें विभिन्न गौण खनिजों के उपयोग की मात्रा का उल्लेख किया गया है। इस इस्टीमेट के अनुसार सड़क के निर्माण में लाखों क्यूबिक मीटर गौण खनिज का उपयोग किया गया है। साथ ही ठेकेदार के द्वारा अगर किसी प्रकार के गौण खनिज का उपयोग किया जाता है तो ठेकेदार के द्वारा गौण खनिज की मात्रा के अनुसार रॉयल्टी जिले के खनिज शाखा में जमा किया जाता है। अगर ठेकेदार के द्वारा सड़क के निर्माण के दौरान उपयोग किए गए गौण खनिज के अनुसार रॉयल्टी खनिज विभाग में जमा नहीं की जाए तो ठेकेदार से लोक निर्माण विभाग के द्वारा साल 2015 में सड़क निर्माण के लिए जारी SRO के तहत जुर्माना वसूला जाना चाहिए। गौरतलब है कि सड़क निर्माण कार्य में हो रही अनियमितता का अधिकारियों व ठेकेदारों पर आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष प्रदर्शनकारियों ने प्रतिक्रिया दी। जिलाधीश महोदय के नाम से ज्ञापन है। विषय है किरण बिल्ली कौन, ठेकेदार है जिनका ठेका है पुलगांव चौक से दुर्गंजोरा के लिए, पुलगांव चौक से अंडा के लिए, पुलगांव चौक से नेहरू नगर के लिए। इन्होंने अभी तक इनके ऊपर 7 लाख लगभग फाइन पड़ी है। नियम तो 7 करोड़ का है अगर बनता है नियम से तो। राजा तालाब आप जाके देखेंगे, थनौद में, धीरी में, बीरेझर में, रिसामा में, अंडा में, सिरसिदा में, अंडा के आसपास के सभी गांव में, दुरुगंजुरा के आसपास के सभी गांव में ये सभी से अवैध मुरुम का परिवहन ये शुरू से कर रहा है। सड़कों में अभी भी कोई सुरक्षा मानक नहीं है। 8 दिन 6 दिन पहले ही एक जवान की मृत्यु हुई है और ऐसे कई केस हैं इनके जो हो ही रहे हैं। अभी तक इनके ऊपर मात्र 7 लाख का फाइन बना है, ऐसा खनिज विभाग का कहना है और वो भी दिया गया नहीं है। वो कहता है क्या है कैसा है नहीं पता। इसमें कहीं ना कहीं PWD के अधिकारी, खनिज विभाग के अधिकारी आपस में संलिप्तता है। जिलाधिकारी भी इसमें कुछ बोलने से बच रहे हैं। 1 सप्ताह का समय है, इनके ऊपर कार्रवाई होती है कि नहीं। अगले सप्ताह सोमवार को सभी सड़कों से, इधर अंडा से अलग, दुर्गंजोरा से अलग, एक साथ पुलगांव चौक से फिर आएंगे जिला कलेक्ट्रेट पैदल मार्च। यहाँ अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुआ तो वही भीड़ सीधा भिलाई 3 की ओर जाएगी, CM हाउस। कहीं ना कहीं इसमें खनिज विभाग और PWD के अधिकारियों का ही संरक्षण प्राप्त है ठेकेदार को। तो त्वरित कार्रवाई इन सभी के ऊपर होनी चाहिए। ठेकेदारों को, अधिकारियों का ही संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इतना काम उन लोग बिंदास कर रहे हैं। न किसी चीज का भय है न कुछ है, क्योंकि कार्रवाई तो अधिकारी करेंगे। प्रदर्शन करने आए कार्यकर्ताओं ने 7 दिन के भीतर कार्यालय के द्वारा इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो युवा कांग्रेस की कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ मिलकर दुर्ग अंजोरा से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पदयात्रा निकालने की चेतावनी दी है और ठेकेदार व जिला प्रशासन के खिलाफ लोक निर्माण विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे जाने की बात कही है। अब देखना होगा शासन प्रशासन इस पर किस तरह रुख अपनाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।